भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हर माँ बाप को करना चाहिए, अपने बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए। कि हम कभी बच्चों को सिखाते हैं कि तुम कोई गलत काम करोगे तो तुम्हें कोई ना देखे, भगवान जरूर देख रहा है। क्या हम बताएंगे अपने बच्चों को कि जब तुम मां बाप से झूठ बोलते हो तो भगवान की नजरों में तुम गिर जाते हो? भगवान के द्वारा भगवान के लिए किया अपराध शायद भगवान एक बार क्षमा कर दे, लेकिन मां बाप के प्रति किया हुआ आपका अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करता। सिखाया है कभी? छोटी छोटी बातों पे हम झूठ बोलते अपने मां बाप से, ना तुच्छ बातों पे हम झूठ बोलते अपने मां बाप से। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, रामायण कहती है असत्य के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। और आप झूठ बोल बोल के अपने पाप के घड़े को भर रहे हो जितना। और आजकल कहते हैं आजकल सब चलता है, सब नहीं चलता है, यही चलता होगा सब कुछ तेरे घर में, उसके घर में सब कुछ नहीं चलता है। वहां तो बायकायदा पूरा अरेंजमेंट है, झूठ बोलने वालों के लिए लोहे की सरिया गर्म करो, सड़ासी गर्म करो। सड़ासी जानते हो? सड़ासी मालूम नहीं? अच्छा कल लाऊं फिर सड़ासी, वो दिखाना पड़ेगा। लोहे की सड़ासी जिसे जीभ को पकड़ के खींचा जाता है, अब आ गई समझ में? और वो भी सड़ासी लोहे की गर्म होती है। हम नहीं मानते ऐसा भी होता होगा, तो जाके जेल लियो, मत मानो जेल लेना। आप थोड़ा थोड़ा झूठ बोल के अपने पाप के घड़े को भरते हो, क्यों? वाय हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जितना आप सत्य बोलेंगे उतना हृदय स्वच्छ रहेगा, और जितना हृदय स्वच्छ रहेगा उतना ही भगवान के आने का अवसर बना रहेगा।